हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज का ट्यूटोरियल है पीच पार्टी मेकअप लुक का ट्यूटोरियल। आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने कुछ दिन पहले मुझे एक अपना पिक्चर भेजा था और मुझसे पूछा था कि मैं अपनी इस पीच ड्रेस के साथ किस तरह का पार्टी मेकअप क्रिएट करूं। आई गेस उनका फंक्शन अभी तक हो चुका होगा, बट क्योंकि आज मुझे भी एक फंक्शन में जाना था और मैंने ये ड्रेस पहना है, इसमें पॉप ऑफ पीच कलर है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक गेट रेडी विद मी ट्यूटोरियल आपके साथ क्रिएट करूं, जिसे आप इजीली घर पर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप ट्यूटोरियल। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर से। ये है पैक का मॉइस्चर लोशन, बहुत ही अच्छा लोशन है, मेकअप के नीचे बहुत अच्छा सा बेस देता है ये और हाइड्रेटिंग रखता है स्किन को। इसे मैं पैटिंग मोशंस में अप्लाई कर लूंगी। इसे मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। इससे पहले मैं अपने बालों को टाई कर लूंगी ताकि ये इंटरप्ट ना करें, और इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी कलर बार का प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत ही अच्छा रहता है अगर आपके पोर्स हैं। इसे सिर्फ मैं अपने टी जोन एरिया पर ही अप्लाई करूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज प्राइमर को भी 2 से 3 मिनट का टाइम दें ताकि ये स्किन में अच्छे से सेट हो सके, उसके बाद ही आप फाउंडेशन अप्लाई करें। बट मैं भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, जब तक प्राइमर सेट हो रहा है तब तक मैं ये अपने निका की आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज कर लूंगी। पहले मैं अपने बालों की ग्रोथ को नीचे की तरफ फॉर्म कर लूंगी ताकि ऊपर से मुझे क्लियर नजर आए जहाँ की मुझे फिलअप की जरूरत है। स्पूली से इसे ब्रश कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेरा पैक का एचडी फाउंडेशन। बहुत अच्छा फाउंडेशन है फ्रेंड्स, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आई थिंक ये फाउंडेशन का कलर मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है। आई थिंक ये मेरा विंटर शेड है, समर में मेरी स्किन थोड़ी सी टैन हो जाती है। आई एम सॉरी इस वक्त अगर मैं आपको थोड़ा सा भूत जैसी लग रही हूँ तो, बिकॉज डोंट वरी, हम अभी इसे वर्कआउट करेंगे। उससे पहले मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, ये एले गर्ल का प्रो कंसीलर है। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज चेकआउट। और मैं इसे अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी। अच्छी कवरेज देता है ये कंसीलर। अब इसी कंसीलर के ऊपर मैं ये मैबलिन का कंसीलर यूज कर रही हूँ। ताकि मेरी अंडर आई एरिया हाइलाइटेड दिखे। इसी कंसीलर से मैं अपने डार्क स्पॉट्स को भी कंसील करूंगी और इसे फिंगर्स से ही ब्लेंड करूंगी। अपने अंडर आई एरिया को मैं सेट करूंगी मेबलिन के फिट मी पाउडर से। मैंने रिसेंटली ये पाउडर परचेज किया है फ्रेंड्स, और ट्रस्ट मी, ये मेरा फेवरेट हो चुका है। मैं डेली इसे यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा पाउडर है। अगर आपका अंडर आई एरिया काफी ड्राई है तो आप इस पाउडर को जरूर ट्राई कीजिए। थोड़ी सी ये कवरेज भी देता है और बिल्कुल भी ड्राई अप नहीं करता है। बाकी के फेस को मैं एक ब्रश की हेल्प से सेट करूंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर कई बार हमारी फाउंडेशन क्रीज हो जाती है, इसलिए आप ये ट्रिक ट्राई कीजिए। जैसे कि आप गोलगप्पे खा रहे हो, इमेजिन कीजिए, खाना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है, एंड जस्ट लाइक दैट। और नेक्स्ट मैं ये ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ लॉरियल का। इससे मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूंगी। काफी अच्छा ब्रॉन्जर है ये, बिल्कुल बटर के जैसे मेल्ट होता है स्किन पर, और इसका शेड भी काफी अच्छा है। अपने फोरहेड को भी ब्रॉन्ज करूंगी, जॉ लाइन को, नोज को भी इसी ब्रॉन्जर से कॉन्टूर करूंगी।
और अब मैं अपना आई मेकअप करूंगी और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा मॉर्फी का 39 ए पैलेट। सबसे पहले मैं पैलेट में से ये सेंटर वाला कलर ले रही हूँ और यहाँ मैंने ये मॉर्फी का ब्रश यूज किया है और इसे अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ये पॉइंटेड ब्लेंडेड ब्रश ले रही हूँ, ये आपको क्रीज में आई शेडो ब्लेंड करने में बहुत हेल्प करता है और इस पर मैं ये डार्क ऑरेंज कलर ले रही हूँ। आज मैं एक हेलो आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर में भी इस कलर को लेकर जा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने एक ये छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, इससे मैं ये डार्क ऑरेंज ब्राउन कलर ले रही हूँ, टैप ऑफ द एक्स्ट्रा, और इसे अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर्स में ब्लेंड करूंगी। इस कलर को मैं अपनी क्रीज लाइन तक ब्लेंड करूंगी और इन्हें आपस में कनेक्ट करते हुए हल्के हाथ से ब्लेंड कर लूंगी। मैं फिर से फर्स्ट कलर ले रही हूं और उससे इन दोनों कलर्स को ब्लेंड करूंगी। ये एक कॉपरिश कलर है और ये रेड शिमरी कलर है, इन दोनों कलर्स को मैं अपने लिड एरिया में लगाऊंगी। सी द पिगमेंटेशन गाइस, दीज आई शेडोज आर बॉम्ब। छोटा सा टीनी माइनी ब्रश ले रही हूँ, मैट कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड करूंगी। तो एक पेंसिल ब्रश से मैं कॉर्नर्स को थोड़ा और इंटेंसिफाई कर रही हूँ और अब फर्स्ट ट्रांजिशन कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड करूंगी। और अब पेंसिल ब्रश पर मैं डार्क कलर ले रही हूँ और इसे भी अपने लोअर लैश लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, बिल्कुल लोअर लैश लाइन के पास। आप चाहें तो इस लुक को यहीं कंप्लीट कर सकते हैं मस्कारा और फॉल्सेस के साथ, बट मुझे लिक्विड लाइनर पसंद है इसलिए मैं लैक्मे का एब्सोल्यूट लिक्विड लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं लैशेस को कर्ल करूंगी, अपना फेवरेट मस्कारा लगाऊंगी मेबलिन का। मैं यूज करूंगी ये प्लम का काजल। लोअर लैश लाइन पर मस्कारा लगाऊंगी। मैं आज यूज करूंगी पैक के लैशेस, इसका नंबर है 213। सो गाइज, मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर ली हैं और अब हम फटाफट से अपना फेस मेकअप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना ब्लश अप्लाई करूंगी और ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेलानी का बेक ब्लश। और मैं इसे अपने एप्पल्स ऑफ चीक्स पर लगाऊंगी और इसे कुछ इस तरह से ऊपर लेके जाऊंगी ताकि मेरा फेस थोड़ा लिफ्टेड दिखे। अब मैं क्विकली अपने फेस को सेट कर लूंगी, ये वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे है और हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स आज पैक का हाइलाइटर, इसका शेड है 05। और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं अपना ये मेबलिन का पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये हाईलाइटिंग शेड लेके अपने ब्रावन और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर की लिक्विड लिपस्टिक। ये लिपस्टिक थोड़ी ड्राइंग है बट ये कलर काफी अच्छा है। एंड दैट कम्प्लीट्स द होल फेस मेकअप। आई थिंक लेट्स ट्राई बिंदी।
पैड। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों को मेरे लुक्स अच्छे लग रहे हैं। सो गाइज मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।